के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर। तो अभी हमें वो देखनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन्स की और हेलो एलिन्स की। हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है और स्टेट कैसी है इसकी, मतलब रूम टेम्परेचर पे कैसा पता चलेगा हमें। सबसे पहले इसमें आता है, ज़्यादातर जो हेलो एल्केन्स होते हैं नॉर्मल वो कलरलेस होते हैं, और कुछ इनमें एक्सेप्शन है क्योंकि ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स वो अपना कलर डेवलप करते हैं जब हम उन्हें सनलाइट में रखते हैं, तो ये दो इसमें एक्सेप्शन है बस। और फिजिकल स्टेट के लिए ज़्यादातर जो नॉर्मल स्टार्टिंग के जो मेंबर हैं लोअर मेंबर्स वो गैसेस होते हैं, और जो हायर मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें अगला था, हाँ, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, जो कि ऑफकोर्स उसकी वजह से होता है, जो इनके अंदर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी वजह से इनका मास ज़्यादा हो जाता है, एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास, और उसकी वजह से ही इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, व्हाट द इफेक्ट ऑफ देयर साइज, जितना बड़ा साइज होगा, द लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल द मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज मच मोर देन अदर्स, यस, ड्यू टू इंक्रीजिंग वैन डर वाल फोर्सेस, ड्यू टू इंक्रीजिंग वैन डर वाल फोर्सेस, because molar mass directly proportional to the van der waal force, yes. increase so increase, decrease so decrease,